हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोना किचन में। आज हम एकदम नए तरीके का नाश्ता बनाने वाले हैं जो टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। जिसके लिए हमने लिया है फूल गोभी और इसे हमने धो लिया है। धो लेने के बाद एक मिक्सर जार में इसे छोटे छोटे पीस में कट कर लेना है। एकदम छोटा छोटा ही काटना है ताकि पीसने में आसानी हो। गोभी को काट लेने के बाद हमें इसे पीस लेना है। इसमें पानी बिल्कुल नहीं डालेंगे, एकदम सूखा ही पीसना है और इसे बारीक नहीं पीसना है, थोड़ा दरदरा ही पीसे। बिल्कुल इसी तरीके से पीस ले। उसके बाद हमने गैस चला के गैस पे कढ़ाई रख के कढ़ाई में तेल को गरम कर लिया है। तेल को हाई फ्लेम पे गरम करना है। जब तेल अच्छे से गरम हो जाए तो हम इसमें थोड़ी सी जीरा डाल देंगे। जब जीरा चटक जाए तो 8 से 10 कड़ी पत्ते डाल देंगे। कड़ी पत्ते आपके पास हो तो डालें, नहीं तो रहने दें। उसके बाद हरी मिर्च और लहसुन डाल के इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। हमने इसमें आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाला है। मसाले डालते वक्त गैस की फ्लेम को मीडियम रखना है और मसाले डालने के बाद हमें इसे 1 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद जो हमने गोभी को पीस के रखा था वो डाल देंगे और इसे एकदम अच्छे से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भूनेंगे। बिल्कुल अच्छे से गोभी को मिक्स कर ले मसालों में। हमने इसमें नमक नहीं डाला था तो स्वादानुसार नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद इसे एकदम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे भूनते हुए 2 से 3 मिनट तक हो गया है तो हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसे भी एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम गैस को बंद कर देंगे और मिक्सर को ठंडा कर लेंगे। अब हमने लिए हैं 1 कटोरी चावल का आटा और इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डाल लेने के बाद नमक को आटे में बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटे को गूंथेंगे। एक बार में ज़्यादा पानी नहीं डालें, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे गूंथ लेना है। आटे को गूंथते टाइम ध्यान रखें कि आटा गीला ना हो। आटा थोड़ा सख्त ही लगाएंगे और इसे ढक करके 4 से 5 मिनट तक रख देंगे। जब 4 से 5 मिनट हो जाए तब हम इसे छोटी छोटी लोई बना लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से छोटी छोटी लोई बना लेनी है। हमने इस तरीके से सारी लोई बना के तैयार कर ली है। उसके बाद हम इसे स्टफिंग भरेंगे। हमने इसमें दोनों अंगूठों को बीच में रख के गोल गोल घुमाते हुए स्टफिंग भरने के लिए जगह बना लेनी है और इसमें आधे चम्मच स्टफिंग डालेंगे और स्टफिंग को दबाते हुए गोल गोल घुमाते हुए इसकी ऊपर वाले हिस्से को बंद कर देना है। बिल्कुल अच्छी तरीके से बंद कर दे। बंद कर देने के बाद हमने इसमें थोड़ा तेल लगा लिया है। इसके नीचे वाले हिस्से में चारों तरफ तेल लगा लेंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से चारों तरफ तेल लगा लें। तेल लगा लेने के बाद हमने लिया है 1 लकड़ी का साँचा और साँचे में रख के इसको ऊपर से दबा देना है और दबा देने के बाद इसे बाहर निकालेंगे। अगर आपके पास इस तरीके का लकड़ी का साँचा नहीं है तो आप इसे नींबूदाने में भी बना सकते हैं। जिसमें हम नींबू निचोड़ते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं।
या फिर आप इसे गोल गोल भी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं ये देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। इसी तरीके से हमने सर बना करके रख लिया है। बना लेने के बाद हमने कढ़ाई में एक गिलास पानी डाला है और पानी को एकदम अच्छे से गर्म करेंगे। पानी में एकदम अच्छे से उबाल आने देना है। जब पानी में उबाल आ जाए तो हम एक एक करके सारे नाश्ते को इसमें डालेंगे। एक बार में जितना आए उतना ही डालें, क्योंकि ये उबालते टाइम फूलता है, तो थोड़ा थोड़ा डाल के उबालेंगे। इसे हमें मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक उबालना है। 4 से 5 मिनट उबाल लेने के बाद इसे पानी से बाहर निकालें। बिल्कुल अच्छी तरीके से पानी छानते हुए पानी से बाहर निकाल लेना है। अब हमने कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डाल के तेल को गरम कर लिया है। तेल जब गरम हो जाए तब उसमें काले वाले राई के दाने डाले हैं और 8 से 10 कड़ी पत्ते। जब राई के दाने चटक जाए तब हम उसमें नाश्ते को डाल करके और मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक चलाते हुए भून लेंगे और फिर गैस को बंद कर देना है 2 से 3 मिनट बाद और इसे सर्व कर लेंगे। आप इसे तड़का लगा के या फिर बिना तड़के के भी खा सकते हैं। तड़का लगाने से ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाता है। और आप इसे टमाटर की तीखी वाली चटनी के साथ खाइए। टमाटर की चटनी के साथ ये बहुत टेस्टी लगता है, तो आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि हमारी रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।